हेलो फ्रेंड दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल इमली में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, और अब बहुत ही बड़ा खुलासा होने वाला है जो कि मालिनी के होश उड़ा देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट में होने वाला है वो तमाशा जिसका किसी ने एक्सपेक्टेड भी नहीं किया होगा। कोर्ट में कुणाल और सब इमली यहाँ पर सुनवाई के लिए पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पर साबित नहीं हो पाता है कि मालिनी गुनहगार है। लेकिन अब कोर्ट सबक ले देगा कि आप लोगों को लाने पड़ेंगे सबूत। जी हाँ दोस्तों, सबूतों के दम पर ही कुछ होने वाला है। तो कुणाल साफ कह देता है इमली को कि अब हमें सबूतों की जरूरत जरूर पड़ेगी और हमें सबूतों के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इमली तलाशी लेने वाले हैं उस कमरे के जहाँ पर वो सीता मैया से प्रार्थना करते नजर आती है कि मुझे कोई तो रास्ता दिखाओ। और इसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इमली जाकर उसी कमरे में सारी सच्चाई ढूंढने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे याद आता है कि उस साड़ी को भी जलाने की कोशिश की गई थी, मतलब कि कोई ना कोई सबूत तो जरूर होगा। और वो पहुंचती है कमरे में जहाँ पर आदित्य का कैमरा उसके हाथ लगता है, और वो कैमरा ही बनने वाला है बहुत बड़ा सबूत जिसमें मालिनी की सारी रिकॉर्डिंग उसमें होती है। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में ये देखने को मिलने वाला है कि कोर्ट में इमली लेकर पहुंचने वाली है वो सबूत जो कि सबके होश उड़ा देता है। नेक्स्ट सुनवाई के लिए मालिनी उसे चैलेंज कर देती है इमली को कि अब सबूत कहां से लेकर आओगी और कैसे साबित करोगी, और मालिनी खुद ही ये सब चीज एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ उसने जानबूझकर ये सब कुछ किया है। और इमली के सामने यहां पर चैलेंज कर देती कि अब तो तुम साबित करके दिखाओ कि मैं गलत हूं, हां मैंने गलत किया है लेकिन साबित करके दिखाओ, और उसे चैलेंज कर देती है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती मालिनी करती है, जिसके बाद इमली यहां पर सारे सबूत नेक्स्ट सुनवाई में कोर्ट में लेकर पहुंचने वाली हैं। जब यहां पर सभी लोग इमली का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन जज साहब कहते हैं कि अब मालिनी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसके लिए उन्हें हमें बाइज्जत रिहा करने जितनी देर में मालिनी इमली लास्ट मोमेंट पर पहुंचकर जज साहब को रोकती है और कुणाल को ले जाकर सबूत देती है। और कुणाल वो वीडियो क्लिप देखते ही सबके होश उड़ जाने वाले हैं। वो वीडियो क्लिप अब यहां पर पूरी ही कहानी बाल पलट के रख देगा। और यहां पर मालिनी को सजा सुनाने के लिए इतना ही नहीं, यहाँ पर एक और बड़ा सबूत हाथ में लगने वाला है जो कि सबके होश उड़ा देगा। और वो भी ये कि यहाँ पर अब देव भी इसी के खिलाफ कार्रवाई करने वाला है, और देव भी यहाँ पर कटघरे में आकर मालिनी के खिलाफ गवाही देगा और कह देगा कि जजा मैं जानता हूँ कि अनु और मालिनी ने मिलकर ये सब तमाशा किया है। यही नहीं, मालिनी का जो मरने का ड्रामा था वो उसकी रिपोर्ट भी अनु ने ही ये सब कुछ नाटक करवाया था, और उस डॉक्टर के पास भी देव जाकर मिलने वाला है। और काफी ऐसे सबूत हैं जो कि देव इमली को कुणाल को प्रोवाइड करवाने वाला है, जिसके बाद ही सबके होश उड़ेंगे। यहाँ तक कि मालिनी का ये प्रेगनेंसी का ड्रामा भी तभी खत्म हो जाएगा जब यहाँ पर इमली कह देगी जब वो इतना झूठ बोल सकती है तो ये भी तो झूठ बोल सकती है कि वो प्रेग्नेंट है, और इसी के साथ मालिनी को सजा होगी। तो काफी तमाशा हमें कोर्ट में देखने को मिलने वाला है।